ज्योतिष शास्त्र में हर एक ग्रह की चाल काफी महत्वपूर्ण होती है। ग्रहों की चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। किसी राशि पर प्रभाव शुभ होता है तो किसी राशि पर अशुभ। ग्रहों के राजा सूर्य जल्द ही राशि परिवर्तन करने वाले हैं। फिलहाल सूर्य मकर राशि में विराजमान है और फरवरी के महीने में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस राशि में पहले से शनि विराजमान है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं और दोनों ग्रहों की आपस में नहीं बनती। अब सूर्य ग्रह जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो सूर्य और शनि की युति होगी। ये युति करीब 30 साल बाद बन रही है। इन ग्रहों की युति से सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इन तीन राशि के जातक के जीवन में काफी हलचल रहेगी। आइए जानते हैं इन तीन राशियों के बारे में। राजा सूर्य समय समय पर आप राशि परिवर्तन करते रहते हैं। वर्तमान में शनि देव कुंभ राशि में है, जो आगामी 11 फरवरी शुभ दिन रविवार को कुंभ राशि में ही अस्त हो रहे हैं, तो वहीं 13 फरवरी शुभ दिन मंगलवार को ग्रहों के राजा सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। पिता और पुत्र अर्थात ग्रहों के राजा सूर्य और उनके पुत्र शनि की यह युति एक ही राशि में 30 वर्षों के बाद बन रही है, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर रहेगा, किंतु इससे प्रभावित होने वाली तीन प्रमुख राशियां हैं कर्क राशि, सिंह राशि और कुंभ राशि। इन तीन राशि के जातकों को नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दुर्घटना के संकेत हैं, अपयश, धन हानि भी संभव है। ऐसे में इन तीन राशि के जातकों को चाहिए कि रविवार को आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें अथवा सूर्य गायत्री मंत्र का जप करें। प्रातःकाल स्नान कर तांबे के लोटे में जल और लाल चंदन डालकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दें। पिता और पुत्र की यह युति 14 मार्च शाम 6 बजे तक रहेगी। सनातन बंधुओं, सूर्य और शनि की युति का प्रभाव सभी राशियों पर तो पड़ेगा ही, कुछ पर नकारात्मक हैं तो कुछ पर इसके सकारात्मक प्रभाव ही देखने को मिलेंगे।